नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं मंजू सिंह, हाजिर है कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ। कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, और आज हम खास तौर पर बात करेंगे बांस के बारे में कि कैसे सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयत्न कर रही है। इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की, जिसमें दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी, और अंत में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे अंगूर की खेती के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। हाल ही में राजधानी दिल्ली में स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में एक दिवसीय बांस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मकसद ये था कि बांस के क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों की बेहतरी कैसे हो और इस दिशा में और कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जो कि लेने जरूरी है ताकि किसानों की आय बेहतर हो। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। बांस के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर इससे जुड़े किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव अलका भार्गव एवं देश भर के अधिकारी तथा वैज्ञानिकों ने भाग लिया। यहां पर बांस से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए विभिन्न राज्यों के स्टॉल लगाए गए। बांस के उत्पादन, उत्पाद एवं गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे उत्पाद की देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी पहचान बने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय बांस मिशन की सफलता के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा, साथ ही छोटे छोटे उत्पाद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज राष्ट्रीय बांस मिशन ने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के अधिकारीगण और इस क्षेत्र में काम करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान की आय में बांस का योगदान हो और वो आय बढ़ाने में सहायक हो। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है कि कृषक की आमदनी 5 वर्ष में दोगुनी होनी चाहिए, उस लक्ष्य प्राप्ति में भी बांस मिशन का सहयोग हो सके। और जो रोजगार सृजन करने का एक बड़ी चुनौती हमारे पास है, इस मिशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की उपलब्धता हमारे देश में हो सके और गांव और किसान की आमदनी और उसके घर में समृद्धि आ सके, इस दिशा में इस कॉन्फ्रेंस को आज आयोजित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं, अधिकारीगण शामिल हो रहे हैं, अपने अपने राज्य में जो काम हो रहा है वो भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो भी निश्चित रूप से उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। जो निष्कर्ष आएंगे वो इस मिशन को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। इस अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि बांस को पेड़ों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। ये मिशन बनने के बाद और ये फॉरेस्ट एक्ट में सुधार करने के बाद अभी इसका उगाना काटना ये सरल हो गया है, मगर अभी ये किसानों के साथ जो आम किसान थे हैं उनके साथ इसका जोड़ना ये अभी तक हुआ नहीं है। साधारण किसान है, समझो मैं गुजरात से हूँ, किसान ही हूँ, तो वहाँ हमारे किसानों को इनके इस मिशन के साथ कैसे जोड़ा जाए इसकी कोई रूपरेखा हमें बनानी चाहिए, ताकि वो किसानों को लगे कि भाई ये मेरे, और मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि हम वहाँ एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं डिपार्टमेंट का, हर मेड़ पे पेड़ एक कार्यक्रम चल रहा है। अब ये पेड़ में से निकल गया है, मगर ये मेड़ में बहुत उपयोगी चीज़ है और इसकी मेड़ अच्छी बन सकती है, और क्योंकि इसको पानी कम लगता है
तो इसी के चलते इनका उपयोग हो सकता है। तो इसको कोई ड्राइव के रूप में या इसकी मेड़ बनाने में, जैसे हम वो बनाते हैं वायर फेंसिंग की भी योजनाएं चल रही हैं वो जानवरों से बचाने के लिए, उसी में भी ये लाइव बन सकती है और इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो उसी में कोई प्रोत्साहन की योजना कैसे बनाई जाए, ऐसे आप राज्यों में काम करने वाले और ज़मीन पे काम करने वाले लोगों को ये विचार के लिए बिंदु में रख रहा हूँ, ताकि इनका बढ़ोतरी भी होगी और उसका फायदा भी मिलेगा। दूसरा, ये अगरबत्ती वाला जो इश्यू है उसी में ज़्यादा सबसे इम्पोर्ट हमारा हो रहा है। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कंट्री में काफी फॉरेस्ट कवर बैम्बू के अंतर्गत है, 14 मिलियन हेक्टेयर करीब हमारा कवर है, और अगर फॉरेस्ट एरिया का देखें करीब 13-14% फॉरेस्ट एरिया बैम्बू से कवर्ड है। और ये खाली नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ के स्टेट, कर्नाटका, यूपी, कई स्टेट्स में पैन इंडिया बेसिस पे कवर्ड करके काफ़ी कुछ कवर्ड है। टू स्ट्रैटेजीज आर रिक्वायर्ड एंड विच इज मिनिस्ट्री का फोकस भी है। ग्रोथ में जो इम्पीडेंट्स हैं, जो इम्पीडेंट्स को दूर करने का प्रयास किया जाए। पहला इम्पीडेंट ये था कि फॉरेस्ट, इफ यू ग्रो बैम्बू इन योर एरिया ऑन योर लैंड, ट्रांसपोर्टेशन वाज अ इशू, यू हैव टू रन ऑन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू गेट परमिशन उसको काटने के लिए सब करने का। बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया, जिसे एक इम्पोर्टेंट समाप्त किया गया। मिशन का मतलब ये होता है कि इम्पेडेंट्स आइडेंटिफाई किए जाए, उनको दूर किया जाए। मैं दो तीन एग्जाम्पल रेज करके बताऊंगा। सेकंड, जो 5-6 महीने पहले हम लोगों ने गुवाहाटी में बैठक करी थी और हम लोगों ने यहाँ पे स्टेक होल्डर से बात भी करी थी, उसमें ITC भी थे, प्राइवेट होल्डर्स भी थे और प्रोड्यूसर्स भी थे। ये बात निकल के आई कि पहले जो हमारी अगरबत्तियाँ थी, अगरबत्ती में काफ़ी ट्रेड में जाता है, तो अगरबत्तियाँ पहले यूज़ होते थे, जो बैम्बू स्टिक यूज़ होती थी वो 4 टाइम की थी, अब मिल्क के लिए उसको गोल यूज़ होने लगी है। सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया है, और सेक्टर ग्रो करने के लिए वो सारा चाहे वियतनाम से या अन्य देशों से या देशों के एक्सपोर्ट होकर आ रहा है। इस चीज़ को मिनिस्ट्री ने कॉमर्स मिनिस्ट्री टेकअप किया, मुझे बहुत खुशी है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात से इन सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड के अंदर लेके आए हैं। जब रजिस्ट्रेट के अंदर लेके आए, बहुत सारे लोगों का कहना था कि रजिस्ट्रेट के अंदर आ गया है, अब ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगरबत्ती ट्रेड को हर्ट करेगा, एक्सपोर्ट भी करता है। बट आफ्टर ड्यू प्रोसेस कंसल्टेशन और थॉट प्रोसेस एंड कंसल्टेशन कंसिडर्ड कि अल्टीमेटली थोड़ा डिस्ट्रप्टिव करना पड़ेगा, देन इंडस्ट्री ग्रो करती है, इंडस्ट्री सपोर्ट है। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव अलका भार्गव ने कहा कि बांस के विभिन्न उत्पाद को तैयार करना एवं इसे देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए मंत्रालय लगातार प्रयासरत है। जो कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये इसमें सारी जो करीब 23 स्टेट्स हमारी जोड़ी हुई है नेशनल बैम्बू मिशन से, तो उन सब के साथ डिस्कशन हो रहा है। जैसे पता है आपको कि पिछले साल ये रीस्ट्रक्चर्ड मिशन लॉन्च हुआ था, तो एक साल के हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें कहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छा किया है, तो उसका ही जायज़ा लेने और आगे काम बढ़ाने के लिए। और किसानों की जो आप बात कर रहे हैं, ये बांस जैसे है, इसको मेड़ पर भी लगाया जा सकता है और इंटरक्रॉपिंग भी हो जाती है, और अगर किसान के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो पूरा एक ब्लॉक प्लांटेशन हो सकता है। तो डिपेंडिंग कि क्या स्पेसिंग है, कौन सी स्पीशीज़ है, तो किसानों को अपने फसल के ऊपर 30,000 से लेके 3.5 लाख 4 लाख तक प्रति हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से मिल सकता है। और बांस मतलब हर डिपेंडिंग कि आप किस यूज़ के लिए है वो, लेकिन अमूमन 3 या 4 साल के बाद वो कटना के लिए शुरू हो जाता है। हर साल काटिए और हर साल नए कल्ले निकलेंगे, तो हर 3rd या 4th ईयर से किसान को अच्छी आय मिल जाएगी। बिल्कुल, जो हमारे किसान करना चाहते हैं बैम्बू की खेती और या फिर जो इससे जो वस्तुएं मिलती हैं उनकी अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे, किस तरह से जो मार्केट है उसको सर्च करें, कैसे जो अपनी वस्तुएं हैं उनकी बिकवाली करें? ये एक बहुत ज़रूरी कड़ी है हमारे मिशन में, क्यों, और जो किसान अगर इस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो वो जो स्टेट बैम्बू मिशन डायरेक्टर हैं
उनके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, और उनके वो तो स्टेट कैपिटल में होंगे, लेकिन जैसे डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में भी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, किसी से भी बात कर सकते हैं और उससे उनको जानकारी मिलेगी। एक प्रश्न और रहेगा यहाँ पे मेरा, क्या किसी तरीके की ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है किसानों को इसके तहत? स्किल डेवलपमेंट तो एक बहुत ज़रूरी इसमें हम लोग के आयाम है इसमें, और इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल जैसे स्किल डेवलपमेंट हर स्टेज पे हो सकता है, नर्सरी कैसे लगाएं, बागानी कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे बनाएं। तो जैसे प्रोडक्ट की बात अगर हम करें, कुछ आपने यहाँ पे देखा होगा ट्रेडिशनल हैट्स वगैरह हैं, इतनी खूबसूरत उसकी वीविंग है हाथ से कि अगर हम लोग ने उसको सपोर्ट नहीं करा तो यंगर जनरेशन शायद उसमें ना रहे, तो ये हमारी जो कला है वो लुप्त हो जाएगी। सो व्हाट वी आर ऑल्सो ट्राइंग इज़ कि ये जो ट्रेडिशनल जैसे चीज़ें वीविंग हो रही है उसको जो आज की मार्केट का डिमांड है, होम डेकोर है या और लैम्प शेड्स यहाँ कुछ आपने देखे होंगे, उसमें डाइवर्सिफाई कर दें तो वो वीविंग की कला बनी रहेगी अपने यहाँ। क्योंकि इंडस्ट्री का तो सामान ठीक है बनता है, लेकिन मुझे पर्सनली अपनी जो देश की जो हाथ की कला है ना उसे बरकरार रखना है। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर वाई आर मीणा ने कहा, इस पर एक दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका सीधे तौर पर मकसद यही है कि बांस की खेती को बढ़ावा देना, और बांस की बहुत सी प्रजातियां हैं जो अभी तक जहां पर बांस की खेती होती है, उसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में भी बांस उगाया जा सकता है जहाँ अभी तक उसकी खेती नहीं हो रही है। हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने आज इसका उद्घाटन किया, और देश भर से जहाँ भी बांस की खेती होती है, खासकर हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ के काफ़ी लोग जो बांस की खेती या बांस के जो उद्यमी हैं जो इसके उत्पाद बनाते हैं तरह तरह के आकर्षक, वो सब ने यहाँ पर भाग लिया है, और एक छोटी सी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसमें कई सारे राज्यों के हमारे बांस के उत्पादक और बांस के जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग, उनके कारीगर वो यहाँ पर आए। आपने देखा होगा नीचे जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक मतलब इसके उत्पाद हैं बांस के। तो कहने का मतलब यह है कि बांस की खेती के माध्यम से किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं, बांस के जो उत्पाद बनाते हैं उसमें जो कुशल कारीगर लगते हैं, निश्चित तौर पर उससे जो रोज़गार है हमारे युवाओं को या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, बहुत अच्छा रोज़गार मिल सकता है। तो भी आपने बांस के ऊपर रिपोर्ट देखी, इसी के साथ ही वक्त है कृषि दर्शन में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की।
कृषि स्टार्टअप में हमारी कोशिश होती है उन किसानों तक पहुंचने की जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहतर किया है, अपने लिए नई राह तो बनाई है, साथ ही दूसरे किसानों के लिए भी उदाहरण बने हैं। जी हाँ, इन किसानों ने अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल किया है। आइए देखते हैं ऐसे कामयाब किसान की कहानी। बारिश, तूफान और प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से ही किसानों को डराती आई हैं। समय समय पर किसानों ने इनसे बचने के कई रास्ते खोजे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया है और सरकार ने भी इन प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को हर तरह का सहयोग देने का वादा किया है। लेकिन देश में कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने इन आपदाओं को सीधे सीधे चुनौती दी है। किसानों ने खुद को इन आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार किया है। इन किसानों ने बता दिया है कि बारिश और आंधी ना तो इनके हौसलों को खत्म कर सकती हैं और ना ही इनकी फसल को बर्बाद कर सकती हैं। ऐसे ही किसान नायकों की फहरिस्त में एक नाम आता है, गांव सहोली पटियाला पंजाब के सरदार मेहरबान सिंह का। सरदार मेहरबान सिंह ने खेती, किसान और फसलों की परिभाषा को नए आयाम दिए हैं। वक्त की तेजी का हाथ थामते हुए उन्होंने वक्त से आगे निकलने का हौसला दिखाया है। उन्होंने परंपरागत खेती को आधुनिकता का नया जामा पहनाया है। जी हाँ, सरदार मेहरबान सिंह ने पॉली हाउस और नेट बांधकर अपने खेतों को मानो एक सुरक्षा कवच पहना दिया है। कोई भी काम इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता, ये बात मेहरबान सिंह पर बिल्कुल सार्थक साबित होती है। आज कामयाबी की नई नई मिसालें कायम करने वाले मेहरबान सिंह का बचपन गरीबी और नाकामियों का एक लंबा सिलसिला रहा है। 8th क्लास में पढ़ते थे तब, उस टाइम मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी। खेती का सब बोझ घर पे था, मदर थे, तो इसके लिए मेरा रुझान दिन पर दिन हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पे जुड़ा रहा। पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई लेकिन जिम्मेदारियां अभी भी अधूरी थीं, उन्हें बहुत आगे जाना था। पहले दिन से दिल में कुछ करने की सोचता रहा, पैसे के भी घर पे कमी रहती थी, तो उसको आमदन को बढ़ाने के लिए बड़े चिंता रहती थी दिन भर, कैसे आमदन बढ़ सकती है। एक छोटी बहन भी थी, उसकी भी शादी करनी थी, तो इसके लिए फिर मकान भी नहीं था घर पे, मकान भी बनाना था, बहुत पैसे की बहुत ज़रूरत थी। पैसा जो हमारा कमाई का साधन था जो, वो बहुत कम बचता है फार्मर को, किसान को, पैसा जो खेती में बचता है। सवाल बहुत सारे थे, सपने और अरमान भी बेपनाह थे, लेकिन हर सपना एक सवाल की दीवार से टकरा कर टूट जाता था, चूर चूर हो जाता था। लेकिन नहीं टूटा था तो वो था सरदार मेहरबान सिंह का हौसला। वो दिन रात सोचते कि कैसे अपने जीवन को एक नई दिशा दी जाए। वो सोच रहे थे कि कैसे गरीबी की चादर से बाहर निकलकर विकास के नए रास्ते तय किए जाएं। वो अक्सर आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से इन सवालों के जवाब तलाशते। हमारी यूनिवर्सिटी है जो पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है PAU लुधियाना में, वहाँ एक ट्रेनिंग लगती है फार्मर को सिखाने के लिए 3 महीने के लिए, तो हमारे वहाँ सिलेक्शन हो गई। तो हमने तकरीबन 3 महीने PAU लुधियाना यूनिवर्सिटी में रहे, वहाँ जो खेती के संबंधित जो लेक्चर लगते थे, जो भी जानकारी मिलती थी, बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनी समझी।
हमने आधे एकड़ से काम स्टार्ट किया, शुरू किया। बहुत मुश्किलें आई काम करना जब स्टार्ट किया, बहुत पैसा नहीं था घर पे, कहीं कहीं से बैंक से पैसा नहीं लिया, किसी से नहीं लिया। आधे एकड़ से कमाई करते गए करते गए करते गए, हर साल एक दो एकड़ नाल ऐड करते गए, तो हम तकरीबन 15-20 एकड़ पे खेती करने लगे। फिर उसके बाद हमको ड्रिप सिंचाई बारे पता चला, सब्जी की खेती का हमारा रुझान हो गया, हमको अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा सब्जी की खेती के। जो हम कणक झोने की धान करते थे, खेती करते थे, उससे डबल मुझे प्रॉफिट मिलने लगा। जब बम्बू के पॉली हाउस बनाया 2 कनाल का, उसमें हमको बहुत लाभ मिला। उसमें हमने कलर कैप्सिकम उगाई थे, उसमें टमाटर उगाया, तो बहुत अच्छी फसल होने लगी, तो फिर हमारा हौसला और बढ़ गया। हौसला बढ़ने के बाद फिर हमने 1 एकड़ का बड़ा पॉली हाउस लगाया, जो GI पाइप से लगता है। फिर पॉली हाउस 1 एकड़ के लगाने के बाद फिर 2 एकड़ पर, 3 एकड़ पर, 4 एकड़, आजकल मेरे पास 5 एकड़ पॉली हाउस है। मैं 30 एकड़ पे खेती करता हूँ। सफलता की नई मिसालें कायम करने वाले सरदार मेहरबान सिंह को उनके काम के लिए अनेकों पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। ये पुरस्कार यकीनन उन्हें जहां आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं उनके काम को एक पहचान भी दिलाते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आज बात होगी अंगूर की खेती के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब समय हो गया है फार्मिंग इंडिया का। फार्मिंग इंडिया में हर बार हम आपको अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी देते हैं, और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे खट्टे मीठे रसीले फल अंगूर के बारे में। जी हाँ, अंगूर एक ऐसा फल है जिसे काफ़ी पसंद किया जाता है, लेकिन इसकी खेती काफ़ी संवेदनशील होती है। ये संवेदनशील फल होता है, ऐसे में किसानों को हर स्तर पर जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और सावधानी बरतने की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अंगूर की खेती के बारे में। अच्छी आमदनी के लिए किसान परंपरागत फसलों के साथ साथ अब फलों की खेती भी कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेशों में फलों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज एक ऐसे ही लोकप्रिय फल की बात करेंगे, अंगूर। अंगूर की खेती भारत की बहुत प्रसिद्ध फसल है। ये एक सदाबहार बेल है। ये विटामिन बी और खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन का अच्छा स्रोत है। ये समय अंगूर की राइजिंग स्टेज का है। इस समय अंगूर कड़े से मुलायम हो रहा है, इसका मतलब है अंगूर राइजिंग की तरफ है। इस पड़ाव पर फसल का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अंगूर अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि विराइजन स्टेज आ रही है। अंगूर के देखेंगे, अगर गुच्छे दाने अगर टच करते हैं तो थोड़े से वो मुलायम से हो रहे हैं, कड़े से मुलायम की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब अब अंगूर विराइजन की तरफ आ रहा है। इस समय अंगूर के गुच्छों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो अगर हो सके तो एक एक गुच्छे को जाल से ढक दें या बड़ा जाल लगाएँ, जिससे कि नीचे की तरफ से मधुमक्खियाँ या कौवे या अन्य पक्षी गुच्छों को नुकसान न पहुँचा पाएँ। किसान भाई ऐसा करें कि अंगूर के बागों की सिंचाई रोक दें, अंगूर के बागों में कोई सिंचाई न करें। इससे क्या होगा, जो गुच्छे होंगे उसमें जो TSS की मात्रा होगी बढ़ेगी। अंगूर के बागों में उच्चतम जल प्रबंधन होना जरूरी है। राइजिंग पड़ाव में अंगूर के बागों में किसान सिंचाई ना करें,
किसान अंगूर के रंग और मिठास को बेहतर करने के लिए वैज्ञानिकों की सलाह ले सकते हैं। अब किसान भाइयों को खेतों में पानी का प्रबंधन अलग ढंग से करना चाहिए। जिन बागों में नमी है वहाँ पे अब पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तुड़ाई से 10 से 15 दिन तक पहले प्रायः अंगूर में पानी देना बंद कर दें, जिससे कि अंगूर की मिठास अच्छी हो जाती है और अंगूर की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगर आप पानी देंगे इसके बाद भी अगर आप पानी देंगे तो अंगूर की मैच्योरिटी लेट हो जाएगी और अंगूर के बाजार भाव अच्छे नहीं मिलेंगे। अंगूर का TSS करीब 18 से 19, 20 या 22 डिग्री तक हो जाए तो समझे फसल तुड़ाई के लिए तैयार है। किसान तुड़ाई करते समय कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें। जब ये अंगूर पकने पे होए, अंगूर पूरी तरह से पक जाए तभी इनकी तुड़ाई करते हैं। जैसे और फल हैं, आम है, उनको अगर आप मैच्योरिटी पे तोड़ लेते हैं, बाजार में ले जाते हैं तो पक जाता है, लेकिन अंगूर एक ऐसा फसल है जिसको कि तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता है। तो इसलिए जब पूरा ये मैच्योर होकर के पक जाए तभी आप बागों से इसकी तुड़ाई करें। और तुड़ाई करते वक्त ध्यान दें थोड़ा सा गुच्छा ऊपर से ही काटें, जिससे कि बेरी को नुकसान न पहुँचे। और तुड़ाई करने के बाद आप इसको अच्छे से कारुगेटेड फाइबर बोर्ड के जो पैकेज आते हैं, कोशिश करें कि उसमें पैक करके बाज़ार में ले जाएं, तो उसका बाजार भाव अच्छा मिलेगा। अंगूर के रंग और मिठास के लिए किसान ग्रीन किस्मों में बोरिक एसिड का छिड़काव करें। 4 ग्राम से 6 ग्राम तक बोरिक एसिड के इस्तेमाल से अंगूर में मिठास और रंग दोनों बेहतर हो जाएंगे। अगर आप एक स्प्रे जो हमारी ग्रीन वाली किस्में हैं बोरिक एसिड का कर दें, करीब उसमें बोरिक एसिड 1% 0.4 से 0.8% तक, 1% नहीं, मतलब 4 ग्राम से 6 ग्राम से 8 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर आप बोरिक एसिड इस बार एक बार डाल दें तो इन गुच्छों का रंग और मिठास दोनों ही अच्छा हो जाता है। 5000 से 8000 साल पहले पूर्वी यूरोप में अंगूर की उत्पत्ति मानी जाती है। अंगूर भारत में 13वीं सदी में लाया गया। दुनिया भर में अंगूर की 8000 से भी ज्यादा किस्में उपलब्ध हैं। अंगूर दुनिया के शेष 10 पसंदीदा फलों में शुमार है। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट अंगूर की खेती के ऊपर। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan.dtk@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।